अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली सदक़ल अज़ीम। इट इज़ माय प्लेजर टू शेयर सम नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट नोन एज मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। माय नेम इज़ सर ताहिर। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप पता कि हमें कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए लेक्चर सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसके अंदर मैथ, स्टैट, इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग को मौजू गुफ्तगू बनाया गया। आज अल्लाह के करम और फजल से हमने जो डिस्कस कर रहे हैं, न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। पांचवा लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है। जो मास्टर लेवल में स्टूडेंट्स हैं, जो लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कर रहे हैं, जो पंजाब यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, या सरगोधा यूनिवर्सिटी से जो लोग पढ़ रहे हैं, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा ये टॉपिक। ये क्वेश्चन पंजाब यूनिवर्सिटी में बार बार पूछा गया है। इसके अलावा दूसरे जो फैसलाबाद जीसी यूनिवर्सिटी है, यानी मुख्तलिफ जो पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अंदर ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं चलता हूँ जी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है मेरे पास, गिव द फॉलोइंग टू कमोडिटी मार्केट मॉडल, फाइंड द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। हमने जो फाइंड करना है इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी को हमने फाइंड करना है। हमारे पास वैल्यू दी गया है क्वांटिटी डिमांड वन, क्वांटिटी सप्लाई वन, क्वांटिटी डिमांडेड टू एंड क्वांटिटी सप्लाई टू। बेटा ये दो सप्लाई दो डिमांड की दी गई है, यहाँ से इक्विलिब्रियम पॉइंट कैलकुलेट करके हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। याद रखिएगा, जब ऐसे क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई का क्वेश्चन आ जाता है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड निकालते हैं, पी की वैल्यू। ठीक है, तो हमारे जहन में ये होनी चाहिए क्वांटिटी डिमांड इक्वल है क्वांटिटी सप्लाई के। ठीक है, इससे हम इक्वेशन बनाते बनाते पी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। सॉल्व, क्या था क्वांटिटी डिमांड बेटा वन इक्वल है क्वांटिटी सप्लाई वन। बेटा अब क्वांटिटी वन की वैल्यू क्या है, 82 माइनस 3P1 प्लस P2 बेटा इक्वल क्वांटिटी सप्लाई वन है माइनस 5 बेटा प्लस 15P1 हो जाएगा। अब इसको मैंने सिंप्लीफाई करना है, मैं पी वाली एक तरफ कर लूँगा, P1 P2 एक तरफ कर लूँगा, बकिया जो पी के बगैर वैल्यू की वो एक तरफ कर लूँगा इक्वेशन बनाने के लिए। कैसे, अब देखें माइनस 3P1 और प्लस आपके पास कितना है P2 बेटा। अब ये वैल्यू इधर कन्वर्ट हो जाएगी, क्या यहाँ पे प्लस था तो क्या होगा माइनस 15P1 बेटा इक्वल है माइनस 5 तो ऑलरेडी इधर ही है, इस प्लस 82 को इधर ले जाना तो क्या होगा माइनस 82 डन बॉयज। अब क्या करेंगे, P2 कितना है माइनस 3P1 ठीक हो गया ओके। अब क्या करेंगे, अब इसमें से आपके पास लेस करना पड़ेगा आपको, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ सॉरी, माइनस करेंगे तो कितना होगा 18 और 15 और 3 वो हो जाएगा माइनस 18P1 बेटा प्लस P2 इक्वल है, एक सिंप्लीफाई करेंगे माइनस 87 आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। ये इक्वेशन नंबर वन, क्योंकि हमने इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन से हम फिर आगे इसको कैलकुलेशन करते जाएंगे ओके जी। लो जी P2, अब है जी क्वांटिटी डिमांडेड टू इक्वल है क्वांटिटी सप्लाई टू बेटा। ये है जी 92 प्लस 2P1 माइनस 4P2 बेटा ओके जी इक्वल है क्वांटिटी सप्लाई टू बेटा माइनस 6 प्लस 32P2 बेटा। सिंप्लीफाई करेंगे P1 P2 की वैल्यू के एक तरफ रख लेंगे, लिख लेंगे एक तरफ प्लस 2P1 माइनस 4P2 बेटा। अब यहाँ देखें P2 प्लस क्या है तो 2 है, तो यहाँ जाके होगा माइनस P2 बेटा माइनस 6 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर क्या प्लस है तो यहाँ पे माइनस 92 बेटा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, P1 तो आपके पास एक ही है जी, और आगे कितना है जी आपके पास माइनस 36 P2 इक्वल है। सिंप्लीफाई करेंगे इसको माइनस 92 सॉरी ये हो गया आपके पास क्या हो गया इक्वेशन हो बेटा 2 हो गया। अब देखें इक्वेशन 1 और 2 को हमने सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू है बेटा
वो 18 है पी वन, यहाँ पर पी वन कितना है 2 है, इसको क्या करेंगे, इसको इस तरह की सेम बनाने के लिए आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये 18 आए, इस तरह 18 बने, तो हम करेंगे इसको 9 के साथ, 9 2 18, तो चलते हैं जी आगे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय नाइन, ये जगह 18p1, फिर उठाते हैं जी कैलकुलेटर की मदद से कर लेते हैं 9 × 36, ये होगा −324 बेटा p2, फिर आगे इक्वल, फिर इसको 9 पे मल्टीप्लाई करेंगे 98 को, 88 and 2 बेटा और माइनस का, अब देखें सेम बन गया, अब हम क्या करेंगे कंपेयर बाय इक्वेशन 1 and 3, ये 3 हो जाएगी, ओके जी 1 कितनी है जी आपके पास −18p1 +p2 इक्वल −87 बेटा, ओके जी ऊपर है जी +18p1 और −324p2 −88 and 2 लें जी, ये कट हो जाएगा, प्लस और माइनस दोनों सेम वैल्यू तो 0 आ जाएगा, इनको हमने लेस कर देना बेटा, माइनस है तो ये हो जाएगा 1, इसमें से 1 को लेस करना है तो 323 बेटा p2 इक्वल है, इसको सम कर देते हैं +87 यानी कि माइनस प्लस होता तो मैं सम कर रहा हूँ, साइन तो माइनस का आएगा −969 बेटा, इसको डिवाइड कर देंगे या मल्टी वन डिवाइड, बताया आपको रूल 3 2 3 माइनस का तो पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, तो डिवाइडेड बाय 3 2 3 आंसर बेटा आएगा 3, डन हो गया, ये p2 की वैल्यू कैलकुलेट किया, p1 की हमने वैल्यू को कैलकुलेट करना है, अब हम जिस मर्जी वैल्यू में पुट कर लेते हैं, अगर मैं सिंपली वैल्यू मेरे पास इक्वेशन ये है ठीक हो गया, इसमें पुट कर लूँ तो इसी से मैं निकालता हूँ, मैं कहता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, पुट इन वैल्यू ऑफ p2 इक्वेशन 1, जी बेटा लिखा हुआ जी −18p1 +p2 इक्वल −80/7, अब p2 की वैल्यू इसमें हमने पुट करनी है क्योंकि p2 की वैल्यू कैलकुलेट है, p1 की हमने कैलकुलेट करनी है, −18p1 बेटा और ये होगा 3 इक्वल है −87, −18p1 इक्वल है −87, ये बेटा ये प्लस है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा −3, −18p1 इक्वल है, इसको सम कर देंगे ये बनेगा 90 और p1 इक्वल है −19 − 90 − 18 और p1 की वैल्यू कैलकुलेट करके आपके पास आंसर आ जाएगा जी 19 / 18, बेटा आंसर जो आएगा वो आपके पास क्या आएगा 5 आंसर आ जाएगा, हमने पहले बताया था ये कैलकुलेशन करने के लिए पहले हमें पी की वैल्यू को पता होना ज़रूरी है, अब हमने क्या करना है क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर और क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाई के अंदर हमने ये वैल्यू पुट करनी है और दोनों का आंसर क्या होना चाहिए सेम, जी पुट कर लेते हैं जी, मेरे पास जो लिखा हुआ है क्वांटिटी डिमांडेड बार कर चेंज कर लेते हैं जी, जी क्या जी क्वांटिटी जो आपके पास है क्वांटिटी डिमांड 1 इक्वल है क्वांटिटी सप्लाई 1 बेटा, क्वांटिटी डिमांड 1 कितना है 82 −3
पी वन प्लस पी टू बेटा इक्वल है माइनस फाइव प्लस फिफ्टीन पी वन बेटा। वैल्यू पुट करेंगे इसमें 82 माइनस थ्री। अब पी वन की वैल्यू बेटा यहाँ पे कितनी है 5। ओके जी, प्लस पी टू की वैल्यू कितनी है 3 बेटा, इक्वल माइनस फाइव प्लस फिफ्टीन, पी वन की वैल्यू कितनी है 5। कहते हैं जी कैलकुलेट, ये हो जाएगा 82 माइनस फिफ्टीन प्लस थ्री इक्वल माइनस फाइव, ये हो जाएगा 5 टू कैरी 75 बेटा, ये प्लस। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 82 माइनस फिफ्टीन प्लस थ्री 70 इक्वल है, और ये भी क्या होगा 70, का मतलब है क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई क्या आंसर क्या आया सेम आया। अब आगे जाते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड 2 इक्वल है क्वांटिटी सप्लाई 2 बेटा, क्योंकि दो चीज़ें दी हुई हैं। इसकी वैल्यू है जी 92 बेटा माइनस सॉरी प्लस 2 पी वन और माइनस 4 पी टू इक्वल है क्वांटिटी सप्लाई माइनस 6 प्लस 32 पी टू। मैंने बेटा ये लिखी है वैल्यू, पहले की ये दो वैल्यू यहाँ लिख दी और फिर अगली वैल्यू यहाँ पे लिख दी, ठीक हो गया। क्योंकि मैंने सारे लेक्चर ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन कर रहा था लेक्चर के अंदर, ऐसे ही मैं इसको क्वेश्चन करी जा रहा हूँ, कोई मैं स्टेप को चेंज नहीं किया पुराने लेक्चर इस लेक्चर के अंदर, सेम के सेम मैं पैटर्न से ये क्वेश्चन चल रहा हूँ। ओके जी, पुटिंग करता हूँ जी, 92 बेटा प्लस 2 पी वन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है जी 5, माइनस 4 पी टू की बेटा वैल्यू कितनी है 3, इक्वल है माइनस 6 प्लस 32 पी टू की वैल्यू बेटा कितना है यहाँ पे 3। ये कैलकुलेशन 92 बेटा, ये प्लस के मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइनस 12, इसको मैं स्टेट लिख लूँ बेटा क्योंकि प्लस 10 ठीक है जी ब्रैकेट है और प्लस 12 ये माइनस 6 हो जाएगा, ये 6 एंड 9 96 हो जाएगा बेटा। कैलकुलेट करते हैं जी, 102 90 आ जाएगा, फिर भी देख लेते हैं 92 प्लस 10 माइनस 12 90, और ये डेफिनेट है ये भी 90 आ जाएगा। इसका मतलब क्या, आपके पास जो क्वांटिटी डिमांडेड है और क्वांटिटी सप्लाइड है बेटा वो आपस में क्या है आपके पास इक्वल, क्योंकि हमने ये डिस्कस कर रहे थे क्वांटिटी डिमांड इक्वल है क्वांटिटी सप्लाई के और क्वांटिटी डिमांड टू इक्वल है क्वांटिटी सप्लाई टू के। ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हम डिस्कस किया फाइंड द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है। हमने पहले प्राइस को कैलकुलेट किया सिंपलीफाई, पहले हमने इक्वेशन बेटा बनाई है इसको सॉल्व करके, फार्मूला हमारे ये था क्वांटिटी डिमांड इक्वल क्वांटिटी सप्लाई के, वेल इसको हमने सिंपलीफाई करते करते इक्वेशन बनाई, इसी तरह हम दूसरी को हमने इक्वेशन बना दी, फिर हमने इन दोनों को कंपेरिजन करने के लिए इसको मल्टीप्लाई किया उसके मुकाबले में मुताबिक उसके बनाया सेम वैल्यू करने के लिए पी वन की या पी टू की, तो मुझे पी टू आसान लगा था मैंने पी टू की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, फिर हमने कंपेयर किया और चलते चलते इस तरह वैल्यू आपको पहले भी लेक्चर के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन करवाए हुए हैं, अभी भी मैं उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो बेटा डिस्कस कीजिएगा, यूट्यूब चैनल पर बता दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर मेरा है पेज, उस पर मुझे यानी कि आप कर सकते हैं क्वेश्चन, मुझसे मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर भी मेरा आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। इस तरह मुख्तलिफ लेक्चर आप तक मेरे पहुँचते रहेगा, अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।